आज का जो लेक्चर है बहुत ही अहम है इस लिहाज से कि वो चीजें जो आ, क्लास टेन के स्टूडेंट्स को मुश्किल लगती हैं उनमें से एक है सिंपल हारमोनिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन है स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन है जिसको आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर बिल्कुल 100 परसेंट समझ में आ जाए इनशाला बहुत फायदेमंद होगा सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं कि व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसे इन शॉर्ट हम कहते हैं एस एच एम याद रखिए अगर आप कहीं पर पढ़ेंगे ना एस एच एम तो उस एस एच एम का मतलब ये होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन ये स्टैंडर्ड है ना एब्रीवेशन द मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेट टू बी सिंपल हार्मोनिक मोशन किसी बॉडी के मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कब कह सकते हैं वेन इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब उसका एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन यानी कि मीन पोजीशन से अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा और अगर मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कम होती रहेगी यानी कि मीन पोजीशन की तरफ बॉडी जाती रहेगी तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कम और अगर डिस्प्लेसमेंट कम तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है ना एक चीज़ को बढ़ाओ तो दूसरी बढ़ जाए एक को कम करो तो दूसरी कम हो जाए अब यहां पर हम ये कह रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है डिस्प्लेसमेंट पे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा एक्सेलरेशन ज्यादा

हमेशा डायरेक्टेड होती है टुवर्ड्स मीन पोजीशन या आप ऐसा भी कह सकते हो कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होते हैं ठीक है मैथमेटिकली मैथमेटिकली इस बात को समझाऊं ऐसे समझो कि एक्सेलरेशन जो है वो उसको हम ए से शो कर रहे हैं और वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है किस चीज पे वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है डिस्प्लेसमेंट पे ऑब्वियसली uh, जब भी हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि वो मेन पोजीशन से ही नापी जाती है और इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन यानी एक्सेलरेशन कोशिश करती है कि डिस्प्लेसमेंट ना हो एक्सेलरेशन का काम होता है बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ ले जाना तो यहां पे डायरेक्शन आती है ऑपोजिट ठीक है ना तो यहां पर कितनी बातें हो गई यहां पे तीन बातें हो गई सबसे पहले बात याद रखिए कि मोशन होना चाहिए ऑसिलेटरी मोशन पहली शर्त यह है एस एच एम के लिए कि मोशन होना चाहिए ऑसिलेटरी ठीक है ना ऑसिलेटरी बता चुका हूं टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट पहली बात दूसरी बात यह कि उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है उसके डिस्प्लेसमेंट पे मीन्स कि अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा तो एक्सेलेशन ज्यादा और डिस्प्लेसमेंट कम तो एक्सेलेशन कम और प्लस तीसरी बात क्या है कि एक्सिलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हो जाती है ऑपोजिट यानी एक्सेलरेशन कोशिश करती है बॉडी को मीन पोजिशन की तरफ ले जाने की यानी कि वो कोशिश करती है किसी तरीके से बॉडी डिस्प्लेस ना हो ओके okay, तो कभी भी अगर आप ये मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी हुई देखोगे ना a प्रोपोर्शनल है माइनस -x के तो फौरन समझ जाना बात हो रही है SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की फॉर एग्जांपल सबसे पहले एक स्प्रिंग मास सिस्टम है जो कि हमारे सिलेबस में भी है ये जाहिर करता है SHM को सिंपल हार्मोनिक मोशन अब ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है ये है इसकी मीन पोजीशन ये मीन है और इन पॉइंट्स को मैंने आपको नाम बताया था ये कहलाते हैं एक्सट्रीम ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है और ए जो है वो नेगेटिव एक्सट्रीम हो जाएगा ठीक है आप देख सकते हो बॉडी मीन पोजीशन से आगे जा रही है फिर पीछे जा रही है आगे जा रही है फिर पीछे जा रही है मतलब तो ये बात तो कंफर्म हो गया पहली शर्त तो पूरी हो गई पहली शर्त क्या है कि ये जो मोशन है वो होना चाहिए वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन तो पहली शर्त तो मुकम्मल हो ही गई बाकी दोनों के बारे में देखना पड़ेगा अब आप नोट करो बॉडी जा इस तरफ रही है ठीक है ना डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रही है और जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है तो आप देख सकते हो उसकी स्पीड में फर्क भी ज्यादा आता चला जा रहा है ठीक है देखते जाओ जितनी बॉडी दूर होती चली जाएगी मेन पोजीशन से उतनी तेज होती चली जाएगी मतलब कि अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा तो एक्सेलेशन ज्यादा ठीक है देख लो ऐसे और हमेशा बॉडी कहां जाने की कोशिश कर रही है मेन पोजीशन की तरफ अभी ये देखो कोशिश कर रही है मेन पोजीशन की तरफ जाने की बट इनर्शिया उसको थोड़ा सा आगे ले जाता है फिर वो बॉडी अगेन पीछे ही जाने की कोशिश करती है टूवर्ड्स मीन पोजिशन लेकिन फिर इनर्शिया की वजह से ओ से आगे निकल के ए की तरफ चली जाती है तो ये जो है ना वो एस एच एम है वैसे तो 100 परसेंट तब साबित होगा जब हम किसी तरीके से ये बात साबित कर दें लेकिन बहरहाल ये एस एच एम की एक मिसाल है जिसमें से पहली शर्त यहां पर मैंने बताई वाइब्रेटरी वाली पूरी हो चुकी है दूसरी एग्जाम्पल सिंपल पेंडुलम की हो सकती है सिंपल पेंडुलम क्या है अभी के लिए इतना समझ लो बाकी सिंपल पेंडुलम को हंड्रेड परसेंट समझना है तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उसको इन डेप्थ पढ़ेंगे एक बॉडी को हमने मासलेस थ्रेड से हैंग कर दिया है एक पॉइंटेड बॉडी को फॉर एग्जाम्पल एक बॉल को एक रस्सी से लटकाया हुआ है जिसे हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम अब आप नोट कर सकते हो एरो की डायरेक्शन के लिहाज से कि जब पेंडुलम इधर जाने की कोशिश इधर कर जा रहा है तो एक्सेलरेशन हमेशा कोशिश कर रही है उसको मीन की तरफ ले जाने की नोट कर पा रहे हो फिगर से जब बॉडी इधर आ रही है तो एक्सेलरेशन कोशिश कर रही है उसको इधर ले जाने की ये देख लो एरो इधर हो गया जब बॉडी इधर आ रही है देखना अभी बॉडी इस तरफ जाएगी तो एक्सेलरेशन मीन की तरफ हो गई इस तरफ जाने की कोशिश कर रही है तो आप देख सकते हो कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमेशा अपनी डायरेक्शन को अपोजिट करते चले जा रहे हैं यानी एक्सेलरेशन की कोशिश ये है कि किसी तरीके से बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लेके चली जाए इस वजह से ए की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ जा रही है बार बार ठीक है ना आप देख सकते हो वीडियो में क्लियरली नजर आ रहा है तो दो मिसाले हैं और एस एच एम के लिए तो मैंने बताया नेक्स्ट लेक्चर में इंशाला इन डेप्थ आपको क्लियर हो जाएगा एस एच एम अब जरा बात कर लेते हैं थोड़ी सी मैथमेटिक्स की मैथमेटिक्स किस तरीके से यानी कि जो मैंने आपको पहली मिसाल बताई है जिसे हम कहते हैं मोशन अंडर इलास्टिक री स्टोरिंग फोर्स री स्टोर कहते हैं बहाल होने को यानी कि अपनी ओरिजिनल स्टेट में जाने को और इलास्टिक का मतलब भी आपको पता है लचक को कहते हैं क्लास uh, नाइन के अंदर हमने स्टडी करा था तो एक ऐसी फोर्स जो कि कोशिश करती है बॉडी को अपनी असल हालत में लेके जाने की उसे कहते हैं इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स और हम ये यह यहां पे डिस्कस करने वाले हैं कि जो मोशन होता है अंडर इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स वो होता है एस एच एम ठीक है ना बस हम ये साबित करेंगे कि मोशन अंडर इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स एस एच एम होता है और ये जो पूरा इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ ना मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स इसको सादे लफ्जों में हम कहते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम यानी कि अगर किसी बॉडी को हमने स्प्रिंग से जोड़ दिया तो स्प्रिंग जो है वो कोशिश करता है बॉडी को असल हालत में लेकर जाने की इसी वजह से उस फोर्स का नाम है इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स सो कंसिडरेशन में क्या है सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी मीन पोजिशन में समझ लो ये पहला पार्ट है बॉडी मीन पोजिशन पर है तो आप देख सकते हो मीन पोजिशन है ओ ठीक है जी और फिर क्या हुआ फिर कि हमने इसको एक्सटेंड करा हम इसको यहां तक लेकर गए और यहां तक ले जाने के बाद मैंने इसे रिलीज किया जब मैंने इसको रिलीज किया तो अब क्या होगा स्प्रिंग की फोर्स की वजह से एफ के साथ छोटा सा एस इस वजह से लगा रहा हूं ताकि आप समझ जाओ कि स्प्रिंग की फोर्स है स्प्रिंग कोशिश करेगा इसको मीन की तरफ ले जाने की ठीक है लेकिन ये बॉडी मीन पे जाके रुकेगी नहीं बल्कि इनर्शिया की वजह से थोड़ी सी आगे चली जाएगी स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा फिर ये जो स्प्रिंग की फोर्स है वो कोशिश करेगी इस तरफ ले जाने की जो कि एरो से आपको नजर भी आ रहा है तो स्प्रिंग की जो फोर्स एफ एस वही फोर्स है इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स के ये जो फोर्स है वो कोशिश कर रही है किसी तरीके से बॉडी अपनी असल हालत में रिस्टोर हो जाए यानी कि मीन की तरफ पहुंच जाए पॉइंट ऊपर पहुंच जाए बट ड्यू टू इनर्शिया कभी वो एक्सटेंशन की तरफ जा रही है कभी वो कंप्रेशन की तरफ जा रही है ठीक है जी तो ये बात आप देख लो नजर आ गया और हां जहन में रखना है कि जब डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है ओ से लेके ए तक तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम से शो कर रहे हैं एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजिशन ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था और अभी भी मैंने आपको बताया तो सबसे पहले अगर हम इस्तेमाल करें हुक्स हुक्स जो शो करता है हुक्स की दो तीन फॉर्म थी एक फॉर्म जो स्प्रिंग वाली फॉर्म थी उसके मुताबिक जो स्प्रिंग की फोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है टू तो द एक्सटेंशन जैसे हमने एक्स से शो कराए डिस्प्लेसमेंट से कहने का मकसद यह है कि आप किसी बॉडी को जो स्प्रिंग से जुड़ी हो जितना ज्यादा एक्सटेंड कराओगे यानी कि एक्स जितना ज्यादा होगा स्प्रिंग की फोर्स उतनी महसूस करोगे बहुत ही आसान सी बात है आप स्प्रिंग को कम खींचोगे तो स्प्रिंग आपको कम खींच रहा होगा आपकी फिंगर्स पे बाकायदा आप कम फोर्स महसूस करोगे और अगर डिस्प्लेसमेंट तो ज्यादा होती रहेगी तो स्प्रिंग की फोर्स ज्यादा होती रहेगी तो हुक्स लॉ के मुताबिक डिस्प्लेसमेंट ज्यादा तो स्प्रिंग की फोर्स ज्यादा आप स्प्रिंग को ज्यादा खींचोगे तो वह आप पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा कम खींचोगे कम एक्सटेंशन होगी तो फोर्स कम अप्लाई करेगा यानी कि एफएस कम होगा बट बड़ी अहम बात है वो है नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है नेगेटिव साइन शोज दैट जो स्प्रिंग की फोर्स है एफ एस इज ऑलवेज ऑपोजिट टू एक्सटेंशन या आप उसको कह लो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगी कहने का मकसद ये है कि जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट होगी स्प्रिंग की फोर्स उसके अगेंस्ट होगी जैसे कि आप देख सकते हो अभी ये खिंचा हुआ है तो स्प्रिंग की फोर्स खिंचाव के खिलाफ जा रही है मीन की तरफ ले जा रही है और जब वो कंप्रेस हुआ हुआ है कंप्रेशन हुई हुई है तो स्प्रिंग उसको कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से खींच दे जब स्प्रिंग खिंचता है तो वो कोशिश ये हो रही है कि नहीं ना खिंचे जब कंप्रेस हो रहा है तो कोशिश हो रही है ना कंप्रेस हो तो नेगेटिव साइन इस बात को शो कर रहा है अच्छा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं इक्वल का साइन आता है और आता है कॉन्स्टेंट यहां आने वाला कॉन्स्टेंट होता है के वी आर वॉट इज के इसको इक्वेशन वन कर देते हैं के क्या है के इज कॉल्ड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ठीक है के को कहते हैं स्प्रिंग कॉन्स्टेंट या इसका एक और भी नाम है इसको कहा जाता है फोर्स कॉन्स्टेंट अब देखो आप लोगों ने अपनी लाइफ में कई सारे स्प्रिंग्स देखे होंगे स्प्रिंग वो भी है जो हमारे नॉर्मल बॉल पेन में लगा हुआ होता है स्प्रिंग वो भी है जो आमतौर पे सोफे या बेड में लगा होता है स्प्रिंग वो भी है जो बाइक की जम्प्स में लगा होता है जो कार की जंप में लगा होता है तो हर एक स्प्रिंग जो है उसकी एक अलग खास बात है अलग खास बात से क्या मुराद है कि कुछ स्प्रिंग हार्ड है कुछ सॉफ्ट है तो ये जो के है ना वो बेसिकली उसी स्प्रिंग की हार्डनेस को शो करता है अगर स्प्रिंग हार्ड है इट मीन्स के की वैल्यू ज्यादा और अगर स्प्रिंग सॉफ्ट है इट मीन्स की के की वैल्यू कम होगी ठीक है ना तो जाहिर सी बात है ये जो स्प्रिंग की फोर्स है वो उसके पे भी तो डिपेंड करती है जाहिर सी बात है अगर स्प्रिंग सख्त होता है तो स्प्रिंग की फोर्स भी ज्यादा अप्लाई होती है ओके जी तो हमने ओक्स लॉ इस्तेमाल करा और फोर्स का हमारे पास एक आंसर आ गया एफ एस इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर वन बट 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 हमारे पास एक और लॉ भी तो है बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर हम न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो वो तो एक अलग फोर्स का फॉर्मूला बताता है वो बताता है एफ इज इक्वल टू एम ए ठीक है ना तो दो फार्मूले हो गए एक हो गया एफ इज इक्वल टू के एक्स वाला फार्मूला ये वाला इक्वेशन वन और एक हो गया ये वाला फार्मूला इक्वेशन नंबर टू इन दोनों को हम करेंगे कंपेयर कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू तो पता चलता है दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट कैसे इक्वल है क्योंकि दोनों के लेफ्ट पे लिखा हुआ है एफ फोर्स अभी छोटे से एस को मत देखो वो स्प्रिंग तो की फोर्स है तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है मैंने आप लोगों की आसानी के लिए एस लिख दिया बाकी लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स ही लिखा हुआ है ये बात कंफर्म है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट right भी इक्वल होगी तो हम लिख सकते हैं कि एम ए बराबर है माइनस के के एक्स के रीअरेंज करो तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस का के ओवर एम इन एक्स ठीक है जी अब आपको क्या चेक करना है अब आपको ये चेक करना है कि यहां पे जो K और M लिखा हुआ है since K जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट है एंड M आर कांस्टेंट्स ये कांस्टेंट्स हैं क्या मतलब कि जब तक ये मोशन चल रहा होगा ना स्प्रिंग बदलेगा जब स्प्रिंग नहीं बदलेगा तो K नहीं बदलेगा और ना बॉडी का मास बदलेगा जाहिर सी बात है कोई टूट फूट नहीं हो रही तो एम बी कॉन्स्टेंट है जब एम और के दोनों ही कॉन्स्टेंट है तो हम दोनों की जगह पे लिख सकते हैं कॉन्स्टेंट तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू माइनस और यहां ब्रैकेट में आ जाएगा कॉन्स्टेंट के और एम को मिला के क्योंकि दोनों ही वैल्यूज चेंज नहीं हो रही के भी कॉन्स्टेंट है एम भी कॉन्स्टेंट है और जैसा कि हमें पता था कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं इक्वल का साइन आता है और कॉन्स्टेंट आता है फिलहाल हम रिवर्स काम करेंगे इक्वल का साइन हटाएंगे और कॉन्स्टेंट को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल का साइन आएगा देखो हम कर चुके हैं ना ऐसा ये देखो लिटी का साइन हटाया था तो इक्वल आया था और एक कॉन्स्टेंट आया था अब हम इसका रिवर्स काम करने वाले हैं तो रिवर्स काम में इक्वल और हटाया तो निशान आएगा प्रोपोर्शनैलिटी का तो बाकी माइनस का एक्स तो पहले से लिखा हुआ है तो ये जो एक्सप्रेशन आई है क्या बात साबित हो गई साबित हो गई दिस एक्सप्रेशन शोज दैट क्या जाहिर किया कि जो लिखा हुआ है मोशन अंडर इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स जो इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स है उस यानी कि किसी भी स्प्रिंग के जेर असर जो हरकत होती है जो मोशन होता है इस सिंपल हार्मोनिक मोशन ये बात साबित हो गई कि स्प्रिंग से जुड़ी हुई हर बॉडी के मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है ठीक है ना तो ये फॉर्मूला भी ड्राइव कर दिया सो दैट लेक्चर आज के लेक्चर का मेन मकसद ये था कि आपको एसएचएम समझ में आए और ये डेरिवेशन समझ में आए जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है आई होप आपको समझ में आगे होगा कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल मुझे बताओ मैं उसको कॉमेंट सेक्शन में इंशाला सॉल्व uh, करने की कोशिश करता हूँ ठीक है जी सो ऑल द बेस्ट अल्लाह हाफिज